स्टूडेंट माइसेल्फ स्नेहा द्विवेदी, आज हम करेंगे क्लास नाइन्थ का एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4। द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशियंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर। हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशंस 22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 7.5 सेंटीमीटर कैन बी पेंटेड आउट ऑफ द कंटेनर। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें बोला है जो सफिशियंट एरिया बताया हुआ है, कितने एरिया को हमें पेंट करना है। ओके, तो हम कर लेंगे टोटल एरिया टू बी पेंटेड, ठीक है, कि कितना एरिया हमें टोटल पेंट करना है। कितना है? 9.375 मीटर स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट, ये हमारा किस में दिया है? मीटर स्क्वायर में। और जो हमारे डायमेंशंस दिए हैं, डायमेंशंस जो ब्रिक है, ठीक है, सफिशियंट जो ब्रिक्स है हमारी, लेंथ ऑफ ब्रिक, एक ब्रिक की जो लेंथ है वो कितनी है? 22.5 सेंटीमीटर। देखिए ये सब सेंटीमीटर में दिया है, तो हम क्या करेंगे, पहले एक ब्रिक का मतलब एक ईंट का सबसे पहले उसका एरिया निकाल लेंगे, फिर उसको हम क्या कर देंगे, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर देंगे। लेंथ ऑफ ब्रिक पता चल गया, ब्रेथ ऑफ ब्रिक, ब्रेथ क्या होगी ब्रिक की? 10 सेंटीमीटर, राइट। और हाइट हो जाएगी, हाइट ऑफ ब्रिक इज इक्वल्स टू 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से आप देखिए, टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे हम किसका, एक ईंट का, एक ब्रिक का निकाल लेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक इज इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया 2 LB प्लस BH प्लस HL, राइट। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा हमारा, 2 ब्रैकेट में L इंटू बी, एल कितना है हमारा 22.5 इंटू ब्रेथ कितनी है 10 प्लस ब्रेथ है 10 इंटू 7.5 प्लस 7.5 इंटू 22 पॉइंट, इस तरीके से देखिए स्टूडेंट, फिर ये आ जाएगा 2 इंटू टोटल इसका आएगा 22.5 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 7.5 प्लस 168.75, ठीक है। इसका टोटल जो आंसर आएगा वो आएगा 9.375 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने क्या निकाली, टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन ब्रिक मतलब एक ईंट की हमने क्या निकाले, एरिया। देखिए हमने एरिया क्यों निकाला है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला है द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशियंट टू पेंट एन एरिया। हमें जो पेंट बोला है वो ये नहीं कहा है कि 1 लीटर पेंट है, 2 लीटर पेंट है और कितनी ईंटें पेंट हो जाएगी, नहीं। उसमें बोला है कि जो कंटेनर में पेंट है वो कितना है, इतने एरिया को वो पेंट कर सकता है, इतना पेंट है। तो हमें बोला है कि कितनी ईंटें उसमें पेंट हो सकती हैं, तो हम क्या करेंगे, एरिया पे जो ईंट है, एक एक ब्रिक उसका हम क्या कर देंगे, उस ब्रिक का, एक ब्रिक का हम एरिया निकाल लेंगे और इस एरिया को कंपेयर करेंगे, ठीक है। कंपेयर कैसे करेंगे, बाय डिवीजन, डिवाइड करके, ठीक है। तो अब क्या, अब ये हमारा आया सेंटीमीटर में और हमें यहाँ पे जो गिवन है वो क्या दिया है, मीटर स्क्वायर में। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में, देखिए सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, बट यहाँ पे हमारा क्या है, स्क्वायर एरिया है, तो इसलिए 100 × 100 मीन्स 10,000 से करेंगे, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा इट विल बी 0.09375 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन ब्रिक, एक ब्रिक का एरिया हमने निकाल लिया। अब क्या निकालना है, नंबर ऑफ ब्रिक्स टू बी पेंटेड, मतलब कितनी ब्रिक पेंट होंगी, उसके लिए क्या करते हैं,
टोटल एरिया पेंटेड अपॉन एरिया ऑफ वन ब्रिक, एक ब्रिक की एरिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टोटल एरिया कितना पेंट करने बोला था, 9.375 अपॉन एरिया ऑफ वन ब्रिक, वन ब्रिक का कितना आया 0.09375 एंड इट विल बी, हम देखिए अभी क्या हो जाएगा, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, 2 1 2 3 4 5 3 4 5 यहाँ से हटाया, डिवाइडेड बाय 100,000 इट विल बी 100 और ये इससे कैंसिल आउट हो गया तो कितना बचा 100 मींस 100 ब्रिक्स कैन बी पेंटेड, मतलब 100 ब्रिक्स पेंट हो सकती हैं। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।